आज हम देखेंगे एक्टिविटी एसिड बेसिस को जानने के लिए उसको कैसे टेस्ट करेंगे इंडिकेटर की हेल्प से। और कौन सा इंडिकेटर लेने वाले हैं हम यहाँ पर? टर्मरिक, जो हर घर में मौजूद होता है। आप कर सकते हो इसको बहुत इजीली। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स वही लिए जो घर में होते हैं। ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा हर घर में रहता है, ये बेस होता है। ये लेमन जूस लिया हुआ है मैंने, और ये मैंने लिया हल्दी का पेस्ट। ये मेरे पास पानी है जिसको मिला करके मैंने हल्दी का पेस्ट बनाया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, एक कागज लिया मैंने, इस कागज पर मैं हल्दी को थोड़ा सा लगाऊंगी, उसके बाद में हम टेस्ट करेंगे एसिड से और बेस से, तब देखेंगे कि क्या कलर चेंज होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से देखना है। तो ये हमने हल्दी का पेस्ट इस पेपर पे लगा दिया, अब इसको हल्का सा ड्राई होने देते हैं। अब देखो ये लेमन जूस है, मैं लेमन जूस इस पर डाल रही हूँ। आप देख रहे हो लेमन जूस की ड्रॉप्स पड़ रही है इस पर, और कोई भी असर नहीं हो रहा है। कलर वही की वही रह रहा है, जो येलो कलर है वो येलो कलर ही रह रहा है। तो इस तरह से आप हल्दी की हेल्प से भी, टर्मरिक की हेल्प से देख सकते हो कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। अब मैंने देखो ये दूसरी साइड से मैंने लिया बेस, इधर से मैंने लेमन जूस लिए थे, इस तरफ से मैं बेस ले रही जो कि बेकिंग सोडा है, और इस बेकिंग सोडा को मैं थोड़ा सा हल्दी पर डालने वाली हूँ। अब आप देखना कि क्या चेंज होता है। यहाँ पर देखो मैंने डाला है, जहां जहां ये टच कर रहा है बेकिंग सोडा, देखो कितना इंटरेस्टिंग है, रेड कलर हो जा रहा है, ये हमारा बेस हो गया। तो हमेशा याद रखो कि जो टर्मरिक है वो एसिड्स में सेम कलर की रहती है, येलो रहता है कलर उसका, लेकिन जैसे हम बेस से उसको टच करेंगे तो रेड में चेंज जाएगा, जो आप देख सकते हैं। तो अब देखो ये बिल्कुल जहां पर हमारा बेस अटैच किया हम, तो देखो जहां पर हमने बेस लगाया था बेकिंग सोडा, वहां पर कलर रेड हो गया है, जहां पर हमने लेमन जूस लगाया था वहां कलर सेम है। तो बहुत ही आसानी से आप घर में चेक कर सकते हो कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस, एसिड है सब्सटेंस या बेस है। थैंक यू।